Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So today I'm gonna share this makeup look right here. और इसको create करने के लिए मैं just Lakme के products use कर रही हूँ. So we can say it's a one brand makeup tutorial. तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने use किया है Lakme का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र. काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फेस को मॉइस्चराइज भी करेगा. तो विंटर्स चल रहे हैं और हमें अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया है. तो जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो आपको वैसे तो देख ही जाएंगे वीडियो में, बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी डिटेल्स डाल दूँगी, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो. तो यहाँ पे दो और ऑप्शंस हैं आपके पास, ये जो मैंने आपको दिखाया नाम मैं भूल गई. तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ Lakme का प्राइमर. तो मैंने आज से पहले ये प्राइमर यूज़ नहीं किया था, तो जस्ट ये वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारे Lakme के प्रोडक्ट्स लिए हैं और काफ़ी सारे मेरे पास ऑलरेडी थे. तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइमर है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देता है आपके स्किन को, ताकि जब आप नेक्स्ट में फाउंडेशन अप्लाई करो तो बहुत अच्छे से वो अप्लाई ग्लाइड हो जाए. तो यहाँ पर मैंने 3 फाउंडेशंस आपको दिखाए हैं, सॉरी 4. तो उस आज मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो ये Lakme का 9 to 5 है फाउंडेशन, प्राइमर प्लस फाउंडेशन आई गेस नाम है इसका. तो मैंने इसे अभी कुछ दिन पहले ही लिया है, इनफैक्ट ये कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है. प्राइस इसकी 475 के अप्रॉक्स है आई गेस, और मेरा जो शेड है वो आपको स्क्रीन पे कहीं दिख जाएगा. तो इसे मैं जस्ट अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, अपने आईलिड्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ, अपने अंडर आई जो डार्क सर्कल्स हैं उसे कवर करने के लिए. और ब्लेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये ब्यूटी ब्लेंडर जो कि है पुणे स्टोर का, और इसे मैंने अमेज़न से लिया था काफ़ी टाइम पहले, और बहुत अच्छा ब्लेंडर है ये. और अब मैं अपने बेस को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको 2 कॉम्पैक्ट्स दिखाया है. तो ये Lakme एब्सोल्यूट का है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक रहता है ये सारे कॉम्पैक्ट्स Lakme के, टूट जाते हैं. मेरा ये वाला टूट गया था, मतलब मेरा दोनों ही टूट गया था, दोनों को मैंने फ़िक्स किया. और ये एक Lakme का 9 to 5 है, तो इसको भी मैंने फ़िक्स किया और ये मैं यूज़ कर रही हूँ आज. तो विंटर्स में आपको अपने फेस को सेट करना उतना ज़रूरी भी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ मत करना, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा स्वेट और ऑयल आपके फेस से निकलता नहीं है. तो यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ, आप भी कर लेना अच्छा रहेगा. और आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पर ये रेवोल्यूशन प्रो का आईब्रो पोमेड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो Lakme वाला बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल ब्लैक रहता है और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल लगता है जब भी मैं अपने आईब्रोज़ पर उसे यूज़ करती हूँ. तो यहाँ पर मैंने ये पोमेड यूज़ किया है. अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये Lakme एब्सोल्यूट का आई शेडो पैलेट, और इसमें टोटल 6 शेड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है. और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है वो था गोल्ड वाला, जो कि मैं आपको आगे जाके स्वॉच दिखाऊंगी उसका. तो मैंने यहाँ पे कोरल कलर लिया है और इसे मैं अपने ट्रांजिशन शेड के लिए यूज़ कर रही हूँ अपने आईलिड पे. इस पैलेट में आपको 5 मैच शेड मिलते हैं और एक शिमर शेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेवनली पिगमेंटेड है. मतलब मेरे पास जितने भी आई शेडोज़ हैं मैंने इतना ज़्यादा पिगमेंटेड आई शेडो आज तक नहीं देखा. तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक डार्क ब्राउन शेड और उसे अपने आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, और ये है वो गोल्ड शेड जिसके बारे में मैं तब से बोली जा रही हूँ. तो जस्ट सी द पिगमेंटेशन, सी बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ये. तो अब मैं इसे अपने आईलिड पर लगाऊँगी. तो अगर आप एक बिगनर हो देन यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, आपको पसंद आएगा. काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, आप इसे लेकर ट्रैवल भी कर सकते हो. और मतलब इसकी जो पैकेजिंग है ना वो भी बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी नहीं है, मतलब टाइट पैकेजिंग है, वो खुलने वाला नहीं है. उसके बाद यहाँ पे 2 आईलाइनर है, 9 to 5 है Lakme का, और Lakme का इंस्टा, तो इंस्टा मैंने बहुत यूज़ किया है, बहुत सारी वीडियोज़ में भी यूज़ किया है. तो यहाँ पर मैं ये Lakme का 9 to 5 यूज़ करने वाली हूँ. और वाटरप्रूफ नहीं है ये, मतलब मैट है, कम्प्लीटली मैट लगेगा ये सूखने के बाद, बट वाटरप्रूफ नहीं है. तो यहाँ पर मैं एक विंग्ड लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ. Lakme ने अभी तक खुद का कोई आईलैश लॉन्च नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं कोई आईलैश यूज़ नहीं करूँगी. और यहाँ पर मैं ये Lakme एब्सोल्यूट का ही है आई गेस ये काजल, मतलब Lakme का ही है, एब्सोल्यूट है या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट ये Lakme का ही काजल है. तो इसे मैं अपने वाटर लाइन पर लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं लगाऊंगी Lakme का मस्करा, Lakme आइकॉनिक मस्करा, या राइट Lakme आइकॉनिक मस्करा भी है, और वो जो मैंने काजल यूज़ किया था वो भी Lakme आइकॉनिक काजल था, एब्सोल्यूट नहीं था सॉरी. तो यहाँ पर मैं जस्ट इसे अपने
लैशेस पे लगा रही हूँ, मतलब अच्छा मस्करा है, बट वो जो होता है ना वाओ वो नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट स्टिल वी हैव टू वर्क विथ इट। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लैक्मे एब्सोल्यूट का ये हाइलाइटर प्लस ब्रॉन्जर लिया है, दोनों ही शिमरी है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है सी, तो इससे मैं अपने फेस को हल्का सा ब्रॉन्ज अप करूँगी, और यू कैन यूज़ इट एज अ आई शेडो एज वेल। तो पिगमेंटेड बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन ये ब्रॉन्जर का, बट जो हाइलाइटर है वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, मतलब ठीक है सटल ग्लो देता है बट बहुत ही ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड नहीं है इसका हाइलाइटर, तो ब्रॉन्जर अच्छा है इसका। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 925, ये शिमरी ब्लश है, लेकिन इतना अच्छा ब्लश है लिटरली, मतलब मेरे फेवरेट ब्लशेज में से एक है ये। मैंने इसे अभी न्यू लिया है तो मैंने पहले से यूज़ नहीं किया था तो मुझे पता नहीं था, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसे फंक्शंस में भी यूज़ कर सकते हो, एवरीडे के लिए भी यूज़ कर सकते हो, परफेक्ट रहेगा, जस्ट गिव इट अ ट्राई। और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ अब हाइलाइटर, तो सी सटल ग्लो देता है, बहुत ही ज़्यादा वो ब्लाइंडिंग वाला ग्लो नहीं देता है, सटल सा ग्लो देता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो एवरीडे के लिए, अच्छा रहेगा। ये जो मैं मेकअप ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ वो वेट एंड वाइल्ड के हैं, सिर्फ स्टार्टिंग में मैंने जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया था वो प्यूना स्टोर का था। अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पर लिपस्टिक के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 लैक्मे 925 के लिप एंड चीक कलर्स हैं, उसके बाद मेरे पास ये 2 बुलेट लिपस्टिक है लैक्मे 925 के ही, और उसके बाद 3 यहाँ पे लैक्मे लिप क्रेयॉन है, ये मैंने शायद 1-1.5 साल पहले लिया था। तो यहाँ पर मैं 2 लिपस्टिक यूज़ करूँगी जो कि लैक्मे 925 चीक एंड लिप कलर का है। यहाँ पे जो मैं सबसे फर्स्ट शेड लगा रही हूँ वो एक पीची पिंकी अंडरटोन में है, और उसके बाद जो मैं लगाऊंगी उसका शेड है आई गेस प्लम फेदर, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड्स है, तो इसे मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक के लिए। और लैक्मे का कोई खुद का मेकअप फिक्सर है नहीं, तो यहाँ पर मैं ये ADS का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे मेकअप को सेट करने के लिए। तो ये रहा हमारा पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद लुक।